नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर वन चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं अजय शुक्ल आपको इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें एक रिकॉर्ड ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज हमारे साथ सामना सवालों का, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। खट्टर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको कहा जाए एक सामान्य सा व्यक्ति मगर बड़ा व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक बदलाव की मिसाल है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो सामाजिक न्याय पर विश्वास करता है। खट्टर साहब, जब आप हमारे साथ आए हैं, आज स्टूडियो में चर्चा हो रही है, तो आपका उसमें स्वागत है। धन्यवाद खट्टर साहब। इस समय चुनाव का एक बिगुल बज चुका है। इस चुनाव को ये माना जा रहा है कि एक सेमीफाइनल है अगले आने वाले विधानसभा का, तो इस चुनाव में आप कैसे देखते हैं? क्या आपने कुछ ऐसा किया है कि आप जीत पाएंगे? अजय जी, पहली बात तो यह है कि समय पर किस प्रकार के दृश्य उत्पन्न होते हैं उसी में से बहुत चीजों का आंकलन होता है। चुनाव की जब घोषणा हुई उस समय चुनाव की तैयारी में हम तो उतरे ही थे जी। हमें लगता था कि हमारे मुकाबले करने के लिए दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ उतरेंगी जी। लेकिन जब ये विषय सामने आया कि न तो कांग्रेस उतर रही है, न इनेलो उतर रही है, और उसमें भी अगर इनेलो ने अपने चेयरमैन के दावेदार कुछ खड़े किए और उसमें भी समझौते के साथ वो चार टिकटें उन्होंने जो घोषित की हैं, उन सबको ध्यान में करने के बाद केवल मैं ही नहीं तो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले प्राय सभी लोग ये मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वाकओवर मिल गया है। चलिए, वाकओवर मिल गया है। प्रदेश में एक राजनीति चल रही है जहां कांग्रेस कह रही है कि हम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या डर है, आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि उनके जो घर के द्वंद्व हैं, उनकी जो पार्टी के आपसी जो अलग अलग बिखराव जो बना करके और अलग अलग दृष्टि से चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ऐसा विषय उनके घर का है कि जो उनको किसी एक दिशा में चलने के लिए प्रेरित ही नहीं करता। उनको उनके घर में जो फूट है, यानी आज भी किसी अगर प्रत्याशी को समर्थन दे करके कोई एक ग्रुप सो खड़ा करता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये उनका व्यक्तिगत अपना सोच हो सकती है, इसमें हमारा पार्टी का कोई लेना देना नहीं। एक जगह पर हिसार में तो कैंडिडेट खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे दो परिवारों का ये कैंडिडेट है, हमने मिलकर के उतारा है, उनके पार्टी का कैंडिडेट कोई नहीं है। कहीं समर्थन दे करके किसी पार्षद को या किसी मेयर को उन्होंने आगे उतारा भी है, तो मुझे लगता है कि जनता इसको सबको समझती है और जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सारे सिस्टम को अच्छा मान करके और हमारे जो स्थानीय निकाय के इन चुनाव के अंदर एक लंबी बड़ी जीत देने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। वह पार्टी जिससे आपने सत्ता छीनी, शब्द में कह रहा हूं, आपने सत्ता छीनी, आपको माना जाता था कि आप हरियाणा में बिल्कुल दोयम दर्जे की पार्टी है, आपने एक जगह पे ला करके खड़ा किया। आज उस पार्टी में उसका अध्यक्ष कुछ कहता है, दूसरे लोग कुछ कहते हैं, क्या ये नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा खेत मिल गया है कि जहां सब बाकी लड़े जा रहे हैं आप आराम से चले जा रहे हैं? मैं इन शब्दों से सहमत नहीं हूं कि हमने सत्ता छीनी है जी। हमको सत्ता जनता ने दी है और सत्ता पर अधिकार जनता का होता है। जनता जब देखती है कि हम किस शासन में व्यवस्थाओं को ठीक मानते हैं, किस शासन की व्यवस्थाओं को ठीक नहीं मानते हैं, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कुछ राज्यों में बढ़ा, फिर देश भर में बढ़ा, उसी में से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास बना कि ये सरकारें ऐसी हैं जो कुछ डिलीवर कर सकती हैं। जब जनता का विश्वास बनता है तो फिर जिन सरकारों का अनुभव उनका अच्छा नहीं होता उनको जनता दुत्कार देती है। तो जनता ने दुत्कारा है, हमसे कुछ अपेक्षाएं की थी, हम उन अपेक्षाओं के ऊपर, इतना मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष के इस कार्यकाल में हम जनता की उन सब अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे। 4 साल में जितना काम किया है उससे जनता खुश है। आप कहते हैं आपने ऐसा काम किया कि दाल भी आप खा गए, रेत भी आप खा गए, दूसरी और चीजें भी आप लोग खा गए, तो ये क्या है? आपके ऊपर वो उल्टा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। विपक्ष का एक काम होता है आलोचना करना, सत्ता पक्ष की,
इस मामले में उनको करनी ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष अपने पक्ष की बात करेगी, इस विपक्ष के लोग आलोचना करेंगे, अंतोगत फैसला किसको करना है? फैसला जनता को करना। आज जनता को पता है कि हमको सरकार ने क्या दिया है, हमारे जीवन को किस प्रकार से सुलभ किया है, किस प्रकार पुराने समय की जितनी समस्याएं थी, जितने रोग लगे हुए थे उनको ठीक किया है, चाहे वो भ्रष्टाचार का रोग है, चाहे वो समाज के अंदर एक भय का जो वातावरण बना हुआ था उसको दूर हमने किया है। आज खुली सांस, खुली हवा में खुली सांस लेने का जो वातावरण बना है हरियाणा में, वो भारतीय जनता पार्टी के बना है। तो ये फैसला जनता को करना है। विपक्ष आलोचना न करे ऐसा मेरा कहना नहीं है, आलोचना करे, आलोचना करने के बाद जनता को मौका दे, जनता सोचेगी इनकी बात ठीक है या नहीं है। आज उनके एक नेता ने जी एक आरोप लगा दिया कि इस सरकार में पावर डिपार्टमेंट का 21,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया है, इतना बड़ा घोटाला हो गया है। मैं सुन करके मुझे अजीब भी लगा और अच्छा भी लगा जी। अच्छा ये लगा कि अगर तो छोटा मोटा 10-20-5 करोड़ का अगर कोई आरोप लगाते तो मुझे सोचना पड़ता कि शायद इतना कोई ना कोई कहीं गड़बड़ हो सकती है, किसी अधिकारी के नाक के नीचे, किसी कर्मचारी के किसी गलत काम से या कहीं अनदेखी में शायद हो गया हो। 21,000 करोड़ रुपए का एक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो मुझे हास्यास्पद भी लगा, हैरानी भी हुई और लगा कि हाँ भाई ठीक है, इनके इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप में तथ्य दम है नहीं, जनता अपने आप समझ लेगी, उसको दरकिनार करके कूड़ेदान में डाल देंगे। भ्रष्टाचारी कौन है, बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है, उनका ये कहना है। हाँ, भ्रष्टाचार तो जब कांग्रेस के समय पर जब हमने किसे मुद्दे सारे बताए और उसमें कोई तथ्य है, उसमें झूठ नहीं है, यानी केंद्र सरकार के नाते से अगर कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप हमने लगाया कि वो जमीन भी खा गए, पताल भी खा गए, आसमान भी खा गए, 2G घोटाला उन्होंने किया, कोयला घोटाला उन्होंने किया, प्लॉट्स का, जमीनों का घोटाला उन्होंने किया, आज वो तथ्य सामने आ रहे हैं। अब आप ले लीजिए एजेएल का, आज से अधिक आमदन के विपक्ष के नेताओं के ऊपर चल रहे हैं, नौकरियों में जो हाल उन्होंने किया, इनेलो के सारे नेता वो आज जेल में बैठे हैं 10 साल के लिए, इनके ऊपर सीबीआई के, चाहे वो मानेसर का केस है, चाहे वो स्काईलाइट का केस है, दुनिया भर के सारे केसेस के नीचे ये आ गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए उनके सामने आ रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी भ्रष्टाचार का विषय कहें कुछ भी कहें, लेकिन किसी के बारे में कोई मटेरियल उपस्थित करना, कोई सबूत पेश करना, कोई कहीं उसको उजागर करना, वास्तविकता है नहीं तो कैसे करेंगे? कहने को कुछ भी कहें, कहने को किसी के मुख में जीभ है उसको मतलब आरोप लगाते रहिए। खट्टर साहब, आपने कहा कि भ्रष्टाचार के तमाम सारे मामलों में आपके विपक्ष के लोग इन्वॉल्व हैं, उनका ये कहना है कि आप उनके साथ बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए आप उन पर लगातार आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, फिर केस फाइल करा रहे हैं, फिर चार्जशीट फाइल करा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई भी आपके हाथ में है, विजिलेंस भी आपके हाथ में है, सरकार आपकी है, दोनों जगह। अजय जी देखिए, अगर बदले की भावना से हमको कोई काम करना होता जी तो मुझे लगता कि हमारे पास 4 साल का समय, इतना लंबा समय था, हम आते ही कर लेते जी, किसने रोका था जी। हमने आते ही अपने कामों पर ध्यान दिया, जो वायदा जनता के साथ हम करके आए थे कि जनता के जीवन को कैसे सुखी करना, पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से एक इस प्रकार का ताना बाना एक बुना हुआ था कि जनता को जकड़ के रखा हुआ था, कुछ लोग सत्ता का लाभ ले रहे थे जबकि सत्ता जनता के हित के लिए होती है, हमने अपने प्रायोरिटी बेसिस पर वो सब काम किए, लेकिन साथ साथ जो मटेरियल हमको उपलब्ध हुआ हमने एजेंसी को दे दिए, और एजेंसीज को देने के बाद कि कोई तो सुप्रीम कोर्ट ने केस दिया सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट में तो हमने कोई दखलंदाजी नहीं की जी। कोई मान लो पब्लिक के किसी आदमी ने कोई एफआईआर कराई तो उसके ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, जहां कहीं हमारे हाथ में भी कोई बात ऐसी थी हमको लगा कि सीरियस मामले हैं, हमने भी सीबीआई को सौंप दिया। तो सीबीआई एजेंसी के माध्यम से अगर कोई चीजें सामने आ रही हैं तो वो भी तथ्यों के ऊपर ही आ रही हैं। बार बार एक चीज आती है कि जैसा कि आपके विपक्षी दल भी कहते हैं कि आपने आने के बाद में नौकरियों में इस ढंग से किया कि लोग बेरोजगारी बढ़ गई, बेईमानी बढ़ गई, तमाम सारी चीजें हो गई, आप कैसे देखते हैं, बेईमानी बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, जो सत्ता के दलाल जी इन नौकरियों को दिलवाने में काम करते थे जी, उनकी पहचान हमको भी है, और यहाँ 4th फ्लोर भरा रहता था उन दलालों से, आज वो दलाल बेरोजगार हो गए हैं। सरकार में दलाली हो रही थी, खूब हो रही थी, यानी वो दलाल तो बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी बेरोजगारी पर मैं चिंता करूं या मैं प्रसन्नता व्यक्त करूं या संतोष व्यक्त करूं, ये तो मैं कोई वाक्य आप क्या हो रही है, मैं कहता हूं उसके नाते से एक भी विषय कभी आज तक सामने आया हो तो बताएं। हाँ, उस प्रकार के दलालों के गिरोह कुछ हमको ध्यान में आया, कब
जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऐसे लोगों को जिनको नौकरियां अपने आप मिलनी थी, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक नियम है कि वो जितना एग्जाम होने के बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं एग्जाम को, उसमें से दो गुना जो सीनियरिटी के हिसाब से लोग होते हैं उनको बुलाते हैं। अल्टीमेटली ये तो पता लग जाता है कि जितनी नौकरियां मिलनी है दो गुना लोगों में मिलनी है, दो में से एक को मिलनी है, तो दो में से एक को मिलनी है, तो वो लोग ग्रोह बना करके ऐसे लोगों को घेरते थे कि तुम्हारी मैं नौकरी में लगवाता हूँ, तुम्हारी नौकरी में लगवाता हूँ। इस प्रकार के गिरोह हमको मालूम हुए तो हमने अपने आप उनके खिलाफ कार्रवाई की, नौ लोगों के खिलाफ FIR हुई है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इवन कोर्ट ने अभी भी कहा है कोर्ट ने कि उनके खिलाफ कोई एक SIT बना करके और गहराई से तफ्तीश की जाए ताकि कल्प्रिट जो पकड़े जाए। तो ये हमने अपने सिस्टम में जब ये देखा तो उसको सुधार करने के लिए हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, इन्होंने तो आज तक कभी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की है। और जो लोग लगे हुए हैं, आज पुराने भी लगे हुए हैं, उनमें से बहुत लोग ऐसे स्वीकार करते हैं कि हाँ हम लोग जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की सेटिंग करके नौकरियों में लगे। वो कहते हैं हमने बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी थी, आपके यहाँ नौकरियां ही नहीं मिल रही हैं। वो नौकरियां देते थे, क्लेम करते हैं देते थे, तो मुझे यही अचंभा है कि नौकरियां देते कैसे थे। हम तो किसी को नहीं दे सकते जी। हम क्यों नहीं दे सकते कि हमारा जो बोर्ड है उसके हिसाब से जिसको नौकरी मिलेगी अपने आप मिलेगी, हम कौन है देने वाले। वो अपने अपने विधानसभा में क्लेम करते हैं कि मैंने अपने विधानसभा में 50 नौकरियां लगवाई, मैंने 100 लगवाई, मैंने 200 लगवाई, इसका मतलब अपने आप सत्य बोल रहे हैं वो। जी जी जी, क्या सत्य बोल रहे हैं कि हमने अपने प्रयत्न करके कोशिश करके जिसको दिलवानी थी दिलवा दी, जिसको नहीं दिलवानी थी नहीं दिलवाई। यही एक अंतर है कि हम पारदर्शिता से काम करते हैं, जिसको नौकरी मिलेगी उसकी योग्यता के आधार पर मिलेगी, हम दिलवाने ना दिलवाने वाला कोई काम नहीं करेंगे। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर आपके सवालों का जवाब देंगे मनोहर लाल खट्टर जी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। खट्टर साहब, आप कहते थे कि जनता के दरवाजे पर सरकार होगी, सरकार जो है उसको डोर स्टेप पे मिलेगी, और इन सब चीजों को लेकर के भाजपा की एक सदैव से नीति रही कि हम सरकार आपके द्वार की स्थिति में मौजूद रहें। क्या आप इसको कर पाए? कर रहे हैं। जैसे हमने ई दिशा केंद्र बनाए शहरों में, ई दिशा केंद्र पर आज आपको कोई भी किसी भी जगह पर घूमने की जरूरत नहीं, ई दिशा केंद्र में जाओ आपको एक टोकन मिलेगा, आप टाइम से अपना काम करा के आ जाओ। हमने गांव गांव में ग्राम सचिवालय खोले, गांव में ग्राम सचिवालय खोलने के बाद कॉमन सर्विस सेंटर ये वहां बनाए, हमने वहां पर अटल सेवा केंद्र बनाए कि वहां जाओ और अपना कंप्यूटर पर खड़े होकर अपना काम करा के ले आओ। जी, आपने जब घोषणा पत्र पार्टी का प्रस्तुत किया था विधानसभा चुनाव के पहले, उसे एक शपथ पत्र का आपने रूप दिया था, 150 से अधिक उसमें वायदे थे, उन वायदों को लेकर के सदैव आप सवालों के घेरे में रहते हैं। कहा जाता है कि खट्टर की सरकार ने वो वायदे पूरे नहीं किए। 176, वो तो 156 कहते हैं, मैं 176 कहता हूँ, 176 हमारे वायदे थे जिसमें से कोई 7 या 8 छोड़ करके आज हमारे 168 के लगभग वो वायदे पूरे हो चुके हैं, या हमारे काम उस पर चल रहा है, या जो प्रोग्रेस में है वो सारे हैं। उदाहरण के लिए हमने उसमें एक वायदा किया कि हम 2000 रुपया ओल्ड एज पेंशन करेंगे, हमने 2000 की। ये अलग बात है कि बजट को देखते हुए पहले वर्ष में 2000 करना हमारे लिए संभव नहीं था, हमने उसको ग्रेजुअली 200-200 रुपया हर साल बढ़ा करके और 5 साल में 1 नवंबर से 2000 रुपया जा रहा है सबको। हमने वायदा किया कि हम किसान खेत को सड़क देंगे, हमने वो उसको पूरा किया, अभी इस साल से 25-25 किलोमीटर हर वर्ष, अगले वर्ष इसको और बढ़ा करके और उन सब खेतों को सड़क देने का काम अभी पूरा कर रहे हैं। हमने ये कहा कि खेलों के अंदर यानी हम लड़कों को लड़कियों को सबको उनको सुविधाएं देंगे, ग्राम ग्राम में हमने ग्राम सचिव ग्राम व्यायामशालाएं योग व्यायामशालाएं ये हमने स्थापित की हैं, लगभग 750 गांव के अंदर आज व्यायामशालाएं ये शुरू हो गई हैं। अब ये काम शुरू करने के बाद एक समय के बाद ही पूरे होने होते हैं, बजट का भी अपना कंस्ट्रेंट होता है, लेकिन योजना बनाना हमारा काम है, हमने सारी योजनाएं बनाई हैं। आज हमारा कोई काम ऐसा नहीं है जो पूरा ना हुआ। शिक्षा क्षेत्र के अंदर महिलाओं की शिक्षा के लिए जो हमने तय किया था, हर 20 किलोमीटर के अंदर हम एक कॉलेज बनाएंगे, जब हम आए 45 प्लेसेस वर देयर जहां इस प्रकार के कॉलेज की आवश्यकता थी, आज केवल 9 बाकी हैं, 36 स्थानों के ऊपर हम वो सारे कॉलेजेस, तमाम स्कूलों कॉलेजों में कह रहे हैं शिक्षक ही नहीं है, शिक्षकों की कमी, ये हमारा हम कारण नहीं उसके, इन्होंने पिछले सालों में शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की, बल्कि जो भर्तियां की उसमें से तकरीबन सब कोर्ट्स के अंदर इनकी उलझी हुई थी। हमने एक ही केस को
कोर्ट के अंदर भ्रष्टाचार के मामले का, यानी इस प्रकार के मामले थे कि कैंडिडेट कोई है, परीक्षा कोई और आके दे रहा है, उनके थंब इम्प्रेशन नहीं मिले, उनके हस्ताक्षर नहीं मिले, अल्टीमेटली हमने वो टीमें बैठाई, एफएसएल के माध्यम से उनकी चेकिंग कराई, 550 लोग तो ऐसे मिल गए जो वास्तव में परीक्षा देने वाले कोई और थे और ओरिजिनल कैंडिडेट कोई और थे, उनको बाहर किया। तो इस प्रकार के केसेस ऐसे हैं, उनके ऊपर केसेस भी चलेंगे अब, तो इस प्रकार के बहुत केसेस हमने निपटाए। तो मतलब गेस्ट टीचर्स के लिए खुशखबरी है कि उनकी नौकरियां नहीं जाने वाली खट्टर राज में। अब एचपीएससी ने हमारे भर्ती करके दे दिए हैं और जिनकी ज्वाइनिंग इस समय चल रही है, तो ये सारे काम एक एक करके हमने निपटाए हैं। आज टीचर्स की जो कमी है उस कमी को, हमारे जेबीटी टीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन कुछ जगह जो इन्होंने गेस्ट टीचर्स वगैरह लगाए हुए थे, हम चाहते हैं गेस्ट टीचर्स को भी हटाया न जाए। एक बहुत बड़ा विवाद कोर्ट में चल रहा है, उन्होंने कहा कि इनको बाहर निकाली, हमने कहा कि नहीं, बहुत वर्षों से ये काम कर रहे हैं और हमारे पास टीचर्स की भी कमी है, नई भर्ती होने तक ये काम करते रहेंगे। खट्टर साहब, एक सबसे बड़ा जो ज्वलंत सवाल हरियाणा में आता है, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, कि यहाँ के किसानों की दशा जो है दुर्दशा में बदल गई, ये कहते हैं आपके विरोधी। देखिए, जिन्होंने किसानों के लिए कभी कुछ किया नहीं, और मैं एक और बात भी इस बीच में समझता हूँ कि जब कभी किसी को अपने बारे में कुछ उत्तर न समझे सूझे तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू करता है, ये ब्लेम गेम शुरू करते हैं। किसानों के बारे में जब ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई जी, उसको लेके कहते हैं आपने वायदा किया था लेकिन लागू नहीं किया। करो, हमने वायदा किया था, हमने तो उनका वायदा पहले याद करा रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट उनके समय में आई जी, और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई जी। सारे देश भर में किसानों की स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू है इसके लिए कमेटी बनाई जी। उस कमेटी के अध्यक्ष बने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2009 में, 2009 से 2014 तक उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके ऊपर एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ा सके। हमने उस समय ये कहा कि इस रिपोर्ट को लागू किया जाए, हमने आने के बाद उसको लागू करना शुरू किया, और लागू करने में क्या क्या बातें की हैं वो आपको गिना रहा हूँ। फसल बीमा योजना जी, ये उसी का एक पार्ट था जी। देश के प्रधानमंत्री ने सारे देश में उसको लागू किया, उन्होंने कहा कि जब तक फसल बीमा योजना लागू नहीं होती या जो लोग फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना हिस्सेदारी नहीं करते उनको कम से कम 10,000 रुपया प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। हमने उस समय 5,700 रुपया कांग्रेस के समय पर था, हमने उसको आते ही 12,000 रुपया किया, 10,000 से 12,000 रुपया किया जी। और उस समय जितने भी प्रकार के किसानों के और कठिनाइयां थी, सिंचाई के बारे में उनको जो कठिनाई थी उस सिंचाई को हल करने के लिए हमने हर खेत में पानी जाए इसके लिए हरियाणा के अंदर 350 टेल ऐसी थी जिसमें पानी 25-30 साल से नहीं गया था, हमने आने के बाद 293 टेल्स के अंदर पानी पहुंचाया। आज दक्षिण हरियाणा के लोग इस बात से इतने प्रसन्न हैं, मेवात के लोग इतने प्रसन्न हैं कि पहली बार हमको 25-30 साल के बाद जितना पानी आवश्यक है, चाहे पीने का चाहे सिंचाई का, वो हमको मिल रहा है। तो ये पानी हमने पहुंचाया। हमने सॉयल हेल्थ कार्ड, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट में ही है कि सॉयल हेल्थ कार्ड बनाया जाए, हमने लगभग 6,00,000 किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड बांट दिए हैं, दे दिए हैं, अभी बाकी प्रोसेस में चल रहा है ताकि हर एक खेत के सॉयल की जो परीक्षण करके उसको किस प्रकार का खाद चाहिए, किस प्रकार का बीज चाहिए, किस प्रकार की वो और मिट्टी को ठीक करने के लिए क्या क्या करना, वो सब उसके माध्यम से हो जाए। किसान स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये था कि इनकी मार्केटिंग की व्यवस्था ये ठीक की जाए। हमने अपनी मंडियां, हरियाणा की 108 मंडियां, आज हर एक प्रदेश में अच्छी मंडियां हैं, चाहे वो पंजाब से तुलना करें, चाहे उत्तर प्रदेश से तुलना करें और चाहे राजस्थान से तुलना करें, बल्कि जब प्रोक्योरमेंट का सीजन होता है उस समय इन तीनों प्रदेशों से अन्न हरियाणा में आता है। पड़ोसी आपके यहाँ करके भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमारी मंडियों की व्यवस्था ठीक है, सुविधाएं हैं, उन लोगों को आसानी से तुरंत बिक जाता है, पूरा दाम मिलता है, पैसा मिलता है। जिन चीजों का MSP नहीं है उन चीजों के रेट जब ज्यादा गिरते हैं तो किसान को बहुत घाटा होता है, खासकर सब्जियों का। हमने 4 बस सब्जियों के ऊपर भावांतर भरपाई योजना शुरू की जी। आलू है, प्याज है, टमाटर है, गोभी है कि ये सड़कों पर लोग न फेंके, कम से कम इसकी जो लागत वैल्यू है, लागत की जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट की उसकी राशि है, वो सरकार देगी। आप उससे नीचे अगर बिकता है तो सरकार से प्राप्त करें, वो हमने शुरू किया। भूमि उसमें कहा जाता है कमीशन खाया जाता है, किसने खाया? प्रश्न तो ये, जिन्होंने ब्लेम लगाना हम कुछ भी लगाएंगे, आखिर हम किसान कमीशन का अवसर ही कहाँ है? आखिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, कौन क्या वही करता है, उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो बेचने आता है, उसको जे फार्म मिलता है और जे फार्म में जिस भाव में वो बेचता है उसी भाव का जे फार्म मिलता है, जो उसका जो बीच का गैप होता है
किसको सरकार देती है, आखिर उसकी कोई कोई गुंजाइश तो हो कि हाँ ये होता है। प्रदीप सुरजेवाला ने कहा कि वो जुलाना एक मंडी गए, दूसरी मंडी गए और मंडियों में किसानों का असलियत में खरीद हो ही नहीं रही। मेरा कहना वो तो किसान आएंगे ना जी, वो जाएंगे कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, उनको तो मैंने बताया इस ब्लेम गेम में मजा आएगा जी, जी। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं तो उन्हें करना ही है। वो कहते हैं फसल बीमा योजना असलियत में उन कंपनियों को फायदा देने के लिए आपने करी। देखिए फसल बीमा योजना का आधार ये है कि कभी भी जो बीमा कंपनी होती है वो एक रिस्क सारे काउंट करके और तब उसका प्रीमियम उसको तय करती है। जो प्रीमियम तय किया है उसमें हमने कहा किसान को केवल 2% देना पड़ेगा, बाकी प्रीमियम 10% तय है, 12% तय है, 9% तय है, वो ऑक्शन पर आता है, वो कम्पिटिटिव टेंडरिंग होती है। उस टेंडरिंग में जो एक्स्ट्रा है वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आधा आधा देती है, इसलिए उनको जाता है। अब हर वर्ष में हर समय में एक जैसा नुकसान नहीं होता है, वो एक जिसको कहना चाहिए एक अनुमान से सारा विषय होता है कि 10 साल में 8 साल में एक आध बार नुकसान होता है, तो जो कंपनियां लेती हैं उस कंपनी ने ज्यादा लिया या कम लिया, ज्यादा दिया या कम दिया, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मतलब किसान फायदे में रहा। किसान फायदे में है, लेकिन किसान को जो खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं, कोई ऐसा अवसर नहीं है। थानों के जरिए बंटवाया जा रहा है। 2014 में जब हमारी सरकार आई तो हम आते ही जब हमने ध्यान किया तो कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख मीट्रिक टन ये किसान ये खाद जो है स्टॉक में होना चाहिए था। आते ही जब लगा कि इन्होंने अपने समय में कोई खाद खरीदा नहीं और जब सरकार छोड़ के गए तो मात्र 30,000 टन मीट्रिक टन ये खाद हमको स्टॉक में मिला। चाहिए 1.5 लाख मीट्रिक टन, 30,000 आप छोड़ के जा रहे हैं तो आखिर वो मंगवाना करना नवंबर के अंदर एक ही महीने में तुम नहीं कर सकते थे, नवंबर में खाद बटता था। तो वो साल तो ऐसा था कि हमको कंट्रोल से सारा कुछ करना पड़ा, फेल्योर था पिछली सरकार का, पड़ गया हमारे मथे नवंबर 2014। लेकिन उसके बाद 2015, 2016, 2017, 2018 कोई भी कहीं किसी जगह कोई खाद की कमी आई हो, अभी तो नवंबर ये गया ही है, इस नवंबर के महीने में कोई आपने कहीं समाचार सुना है कि भी कहीं कोई थाने में बिका कि नहीं बिका? नवंबर का जो महीना होता है ये मोस्ट क्रुशियल महीना होता है खाद के लिए। लेकिन किसान को ये अनुभूति क्यों नहीं आप करा पा रहे हैं कि आप उनसे बेहतरीन चीजें दे रहे हैं? हरित क्रांति की जब बात आती है तो एक कहते हैं आपके मंत्री कहते हैं कृषि मंत्री की हरित क्रांति का दूसरा जो रूप आया इस कंट्री में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में यदि किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, आप इसको हरियाणा में क्यों नहीं ये चीज दिखा पा रहे हैं? मेरा कहना है कि कुछ किसानों के जिसको कहना चाहिए यूनियंस होती हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनको किसान राजनीति करनी होती है। आखिर इस देश के अंदर किसानों की बड़ी संख्या है, तो जब भी बड़ी संख्या का बड़ा ग्रुप कोई होता है वो किसी प्रकार से मानो रहे अच्छा रहे न रहे वो खुश रहे न रहे, लेकिन जो जिस प्रकार के किसानों के बने हुए हैं संगठन कुछ यूनियंस, उनको किसान राजनीति करनी, किसान राजनीति करनी होती है, उसको रोका भी नहीं जा सकता। चलिए तो ये राजनीति की बात होती रहेगी, किसान राजनीति करते रहेंगे, सरकार काम करती रहेगी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर आपके सवालों का जवाब देंगे मनोहर लाल खट्टर जी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। खट्टर साहब एक सवाल बड़ा पेचीदा है, विपक्ष भी उठाता है, सब कोई कहते हैं, आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं कि आपने हरियाणा को कर्ज में झोंक दिया है, आपने हरियाणा के हर व्यक्ति को कर्जदार बना दिया है, क्या है सच? देखिए ये कोई पेचीदा सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। कभी कभी मुझे भी पेचीदा लगता था लेकिन जब से ये चीजें सामने आई हैं तो मुझे लगा है बहुत आसान, सबसे बढ़िया सवाल आपने पूछा है। सभी सरकारें कर्ज लेती हैं और वो अपनी सीमाओं के अंदर लेती हैं, सीमाओं से बाहर जाकर के कर्ज लेने वाली सरकारों को वार्निंग हो जाती है। सीमा क्या है? दो सीमाएं हैं सरकार की। एक सीमा है कि जितना उनका कुल मिलाकर जीडीपी है उस जीडीपी का 25% से ज्यादा कर्ज जो है वो नहीं होना चाहिए, और एनुअल कर्ज जो हर साल वो ले सकते हैं वो 3.25 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं हो सकता। तो हमारा जो कुल इस समय जीडीपी है वो लगभग 6.5 से 7 लाख करोड़ रुपया है जी, और 7 लाख करोड़ रुपया का मतलब ये है 25% जो उसका होता है वो 2.25 लाख करोड़ रुपया होता है।
मतलब आपने उस सीमा से कम ही, उससे कम है हमारा, यानी अगर हम ये नहीं लेंगे तो लोग कहेंगे कि ये विकास विरोधी लोग हैं। विकास करने के लिए जितना जीडीपी है उसका 25% लोन लेना चाहिए और उसको विकास में लगाना चाहिए, तो हम उसके अंदर हैं। दूसरा, उसका हर साल में 3.25% ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। इस बार हमारा 3.13, 3.14 इस परसेंटेज के हिसाब से ही हमारा जो चल रहा है लोन, जो डेट जो है, और ज्यादा हम ले रहे हैं। मतलब सब काबू में, सारी चीजें काबू हैं, और इसके कारण से हम विकास के काम को गति भी दे पा रहे हैं। यही कारण, यही कारण नहीं, मैं और थोड़े आंकड़े बता दूं। यही कारण है कि हमारा जो बजट है, जो 2014 का बजट था, 2014-15 का, वो 61,000 करोड़ रुपया था। इस बार जो हमारा पिछला बजट गया 2018-19 का, वो 1,15,000 करोड़ रुपया गया है, जो निश्चित रूप से 19-18 अगले वर्ष का, जो 19-20 का आएगा, वो और बढ़कर के आएगा। तो हमारा बजट प्राय 95% बढ़ा है जी, पिछला जो बजट 95% बढ़ा है। हमको सुविधाएं मिली उसके कारण से हुआ। जीडीपी क्यों बढ़ी? जीडीपी इसलिए बढ़ी कि इस प्रदेश ने तरक्की किया, तो हमारे उस प्रोग्रेस में से जीडीपी बढ़ी तो हमको एक अवसर मिला उस पैसे को लेकर के विकास करने का। हमने विकास के कामों के लिए सारा कुछ किया है। तीसरी बात नहीं, और इसमें दो आंकड़े जोड़ूंगा मैं, बहुत मैंने बताया इसका अध्ययन किया मैंने, जो ये कहते हैं कि हमारे समय में 71,000 करोड़ रुपए का डेट था, मेरा कहना वो सरासर गलत है, क्योंकि पावर यूटिलिटीज का जो 30,000 करोड़ रुपए का जो घाटा है, उस घाटे को इन्होंने कभी गिना नहीं, क्यों? यूटिलिटीज का है। हमने आने के बाद केंद्र सरकार में एक नियम बना के उदय स्कीम के अंतर्गत यूटिलिटीज का जो घाटा है वो सरकार वहन कर ले, तो यूटिलिटीज को हम उससे मुक्त एक बार कर देंगे तो पावर की सिचुएशन सप्लाई ठीक होनी शुरू हो जाएगी, वरना सारे प्रदेश इसमें डूब रहे हैं। हमने 27,000 करोड़ रुपया पावर यूटिलिटीज का सरकार के जिम्मे लिया, अगर वो 27 जोड़ देते हैं 71 में, तो 71 और 27 98,000 करोड़ रुपया हो जाता है। तो 98,000 करोड़ रुपया गिनेंगे तब इनको घाटा ज्यादा, डेट ज्यादा नहीं लगेगा। मोर ओवर, सातवां वेतन आयोग जो हर बार 10 साल के बाद आता है, इनके समय में 2006 में एक बार आया था, हमारे यहाँ 2016 में आया है, तो सातवें वेतन आयोग में भी हजारों करोड़ रुपया जो है वो ज्यादा एकदम लोड पड़ा है, तो उसके कारण से भी हमको वो कर्ज उसमें लेकर के उसमें पूरा करना पड़ा। हमने वो जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, जो 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी, जिसको 2,000 रुपया प्रति व्यक्ति किया है, लगभग 22 लाख लोगों को ये फायदा मिला है। हाँ, 200 करोड़ रुपया, 220 करोड़ रुपया हर महीने का इसमें ज्यादा होता है, अर्थात एक साल का 2,500 करोड़ रुपया होता है। अगर हम 5 साल गए तो 12,000 करोड़ रुपया ये भी चला जाता है। तो ऐसे जो मोटे मोटे खर्चे हैं, जो योजना से या एक प्रसिद्धिवश जो कुछ करने थे वो हमने किए हैं। वो कहते हैं कि हम बड़े सारे प्रोजेक्ट लाए थे इसलिए हमारा खर्चा बढ़ा था, हम मेट्रो लाए, हम दूसरी चीजें लाए, हम प्रोजेक्ट्स लाए, हम वो एजुकेशन सिटी लाए, बहुत कुछ लाए, लेकिन क्या विरासत में छोड़ के गए? वो जो छोड़ के गए, वो जाते जाते हजारों एकड़ जमीन जिसका सेक्शन 4 और 6 करके गए, कुछ उसमें छोड़ गए, कुछ उसमें से खा गए, कुछ उसमें कमीशन ले गए, कुछ बीच में धंधेबाजियां चली जिसके वो केस चल रहे हैं, लेकिन जो बाकी भी थे वो केस आपको लड़ने पड़े, उनके जो केसेस कोर्ट में लेकर ले जाके छोड़ गए, जिसमें से मैं कहता हूँ हुड्डा यानी दोनों हुड्डा है, वो दोनों जमीन वाले होते हैं, कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी, इसके ऊपर भी कम से कम अनुमान मैं कहता हूँ कि 15 से 20,000 करोड़ रुपया जो उन केसेस के कारण से अनाउंसमेंट आई, ये उन्हीं के किए हुए कारनामे है। HSIDC लगभग इतना ही पैसा उसका अनाउंसमेंट आया, ये उन्हीं का कारनामा है, हालांकि वो हमने सरकार के ऊपर नहीं लिया अभी जी। अभी वो हुड्डा के जिम्मे और HSIDC के हैं, लेकिन दोनों खड्डे इतने बड़े बड़े खोद करके गए हैं। हमें आने के बाद ये निर्णय लिया हमने कि हम एक भी इंच जमीन जो है एक्वायर नहीं करेंगे, किसान की मर्जी से जमीन लेंगे जी। तो ये इतना बड़ा बदलाव हमने आकर के किया, अगर उसी स्पीड से हम चलते रहते तो शायद इतना बड़ा बोझ पड़ जाता, हमने उसको आके रोका। लेकिन उनके कारनामों के कारण से हजारों करोड़ रुपए का जो एक खड्डा खोद के गए उसको हम भरने में कामयाब हुआ। आम जगह पे आप कहते हैं, दावे करते हैं कि सड़कें बन गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन असलियत में तमाम जगह जन समस्याएं बिल्कुल खड़ी हैं और सरकार आंखें बंद किए बैठे। देखिए, जिस प्रकार से, जिस तेजी से हम उन समस्याओं का हल निकाल लेते हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं। हमने अभी हरपथ ऐप बनाया और हरपथ ऐप में आज चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे PWD हो,
चाहे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे HSIDC हो, इन सब एजेंसीज को हर पथ के माध्यम से जहां भी कहीं को खड्डा होता है, जहां कोई सड़क का निर्माण करना होता है, जहां का सड़क टूट जाती है, जैसे ही लोगों के हाथ में दिया हुआ वो जैसे उसका फोटो भेजते हैं, 90% जो समस्याएं हैं उसी समय हल हो जाती हैं। कुछ जगह ऐसी जरूर होती हैं जहां समय के ऊपर वो काम पूरे नहीं हो पाते, उसके लिए भी हम लगे हैं कि कोई एजेंसी ऐसी तय कर लें जी एजेंसी के बाद बनाने का काम अलग एजेंसियों के जिम्मे रहे, लेकिन उसकी मरम्मत करना, उसमें खड्डे भरना, उसमें बाकी चीजें, क्योंकि ये समय के साथ होती रहती हैं। कल को वर्षा आएगी, वर्षा में खड्डे होंगे, वर्षा में सड़क भी टूटेगी। कोई सड़क दुनिया में ऐसी कभी नहीं बनी कि जो एक बार 1 फॉर एवर बन गई जी। इस नाते से इसमें क्वालिटी की शिकायतें हमें जरूर कई जगह मिली हैं। उसके लिए अलग से हमने एक व्यवस्था की है कि भी उस क्वालिटी को चेक करने के लिए कोई संस्थान एक बनाया जाए और उसमें से अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने। उसमें खर्चा ज्यादा होगा, एक बार खर्चा ज्यादा होगा, लेकिन अच्छी तो बन जाएंगी कम से कम। तो हमारी चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, चाहे PWD की सड़कें हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी बने, इस पर हम काम कर रहे हैं। और अब जो नई सड़कें बन रही हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे बन रहे हैं, चाहे स्टेट PWD की बन रही है, वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी बन रही है। ये पुरानी सड़कों की जो क्वालिटी है उसको ठीक करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। हमने लगभग 16,000 करोड़ रुपए का काम सड़कों का, नई सड़कों का, मरम्मत का, ये इस समय किया हमने 4 साल में। चलिए, एक बात आती है कि कर्मचारी जो है आपके समय में बहुत दुखी है, कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला, आपने आते पहले उनकी उम्र घटा दी, फिर उनके लिए ट्रिब्यूनल बनाने की बात की थी, वो भी नहीं बनाया, फिर और दूसरी सारी चीजें हैं, उनको तमाम सारे अभी ट्रांसपोर्ट के तमाम कर्मचारियों ने हड़तालें की थी, तो ये सब क्या है, क्या लगता है कर्मचारियों को आप नहीं साथ पाए? अलग अलग प्रकार के विषय हैं। वैसे तो मैं समझता हूँ कर्मचारियों के जितने मैंने काम किए हैं वो गिनाने लगेंगे तो अथाह है। मान लो आंगनवाड़ी वर्कर को हमने मिनिमम वेजेस ला करके उस स्टेज पर खड़ा किया, जबकि इनको वर्कर मानते थे, इनको एम्प्लॉई कोई नहीं मानता था, हमने इनको एम्प्लॉई की श्रेणी में लाए हैं और 7,000 रुपए से सीधा 10,500 रुपया, यानी 50% का जंप कभी किसी को आज तक नहीं मिला, ये हमने उनको दिया, कहीं नहीं मिला। हमने चाहे वो आशा वर्कर हैं उनके लिए किया, हमने पावर डिपार्टमेंट के लोगों के, उनकी जेईज हैं, बाकी सब हैं, उनकी सैलरीज बढ़ाई हैं, उनके बल्कि कई तो लेवल भी बढ़ाए हैं हमने। हमने अध्यापकों की जो सैलरीज हैं वो बढ़ाई हैं, हमने जो गेस्ट टीचर्स हैं उनकी सैलरीज बढ़ाई हैं, जो एक्सटेंशन जो लेक्चरर होते थे, क्या एक्सटेंशन लेक्चरर क्या बोलते हैं, उनका भी पहले उनको 14-15 हज़ार रुपया मिलता था, उनको हमने 25,000 रुपया मंथली पर हमने किया है। तो इस प्रकार से जितनी सैलरीज की जिसकी अपेक्षा थी वो तकरीबन बढ़ाई हमने, कईयों को तो दो दो बार करके बढ़ाया हमने। चौकीदार का पहले 9,000 रुपया था, 10,000 किया, 10,000 से 11,000 किया, दो बार करके बढ़ाया 10%। तो इसलिए, और हरियाणा जो है पहली स्टेट है जो 7वां वेतन आयोग सबसे पहला अगर अनाउंस किया तो हमने किया 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग। बहुत स्टेट्स में तो आज भी 7वां वेतन आयोग उन्होंने दिया नहीं है, आज 2 साल से ऊपर समय हो गया, 3 साल, तीसरा साल भी होने जा रहा है, तो 3 साल में भी 7वां वेतन आयोग लोगों ने दिया नहीं है, हमने वो दे दिया है। हाँ, हमने सरकारी यानी जो पुलिस कर्मचारी हैं, 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी कहीं नहीं है, हमने उनको 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी मानवीय दृष्टिकोण वो दिया है, वरना आखिर वो भी तो आखिर मनुष्य मानवीय दृष्टिकोण तो रखना ही चाहिए ना। पुलिस के लोग बहुत हार्ड ड्यूटी देते हैं, लेकिन उनके लिए हमने सब किया है। अब आ जाओ रोडवेज के ऊपर, रोडवेज कर्मचारियों को एक ही बात हमने कही कि आप हैं यूनियंस जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनके हित के लिए, सरकार कोई नई पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी में इंटरफेयर करना ये रोडवेज के कर्मचारियों का, यूनियंस का काम नहीं है, नई पॉलिसी है। उन आज के समय में जितनी बसें चल रही हैं उनके कंडक्टर्स ड्राइवर्स उनका हित ध्यान रखना चाहिए। नई बसें हम खुद लाएंगे या उनको किलोमीटर स्कीम पर लेंगे, प्राइवेट देंगे, ये काम उनका नहीं है। और यही बात कोर्ट ने बाद में कही, पहले से उन्होंने एफिडेविट दिया था कोर्ट में, और अभी कोर्ट में भी आखिर जाने के बाद कोर्ट ने कहा कि जब आपके ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप सरकारी पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो आप क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्ट्राइक टूट, मतलब उनकी मनमानी चल रही थी, दादागिरी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके और सवालों का जवाब देंगे मनोहर लाल खट्टर। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है, हमारे साथ मनोहर लाल खट्टर जी हैं, खट्टर साहब आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। खट्टर साहब, एक चीज आती है कि जब आप
सरकार में आए, सुशासन की बात हुई, सुरक्षित शासन की बात हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को चुना कि हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, हरियाणा में बच्चियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, रास्ते में कहीं पर भी कोई लड़कियां सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही हैं। मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आपके विपक्षी ये कहते हैं कि असुरी राज है, बिल्कुल कहीं पर भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बलात्कारियों का राज्य हो गया है। देखिए वैसे तो अजय जी ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है ये कि बच्चियों के साथ कोई भी घिनौनी हरकत होती है तो इसकी पीड़ा सबको होती है। लेकिन इसमें से मैंने कई बार पहले भी स्टेटमेंट दिया कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये एक राजनीति विषय भी नहीं, हाँ एक सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को कानून के द्वारा सख्ती से निपटना एक विषय है, जन जागरण करना ये दूसरा विषय है। जहां तक कानून की बात है, हमने सख्त कानून बनाए हैं, हमने ये भी कहा फांसी की भी सजा है, 12 वर्ष से छोटी बच्ची के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ऐसा करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाए, और जो भी कोई इस प्रकार महिला उत्पीड़न के विषय में या रेप के विषय में कोई ऐसा व्यक्ति के आरोप सिद्ध होता है या चार्जशीट भी होता है, चार्जशीट होते ही उसकी जितनी सामान्य सुविधाएं हैं उस व्यक्ति की, चाहे वो एक राशन की और हेल्थ की, दो चीजों छोड़ करके बाकी सब सुविधाएं बंद कर दी जाए जब तक वो अपने आप को निर्दोष से नहीं कर लेता, अगर दोषी करार होता तो परमानेंट उसकी बंद रहेंगी, चाहे उसकी कोई भी फैसिलिटी है, चाहे उसको कोई सब्सिडी मिलती है, कोई लाइसेंस उसने को लिया हुआ किसी चीज का, या कोई भी सुविधाजनक सब उसकी बंद हो जाएंगी। इतना सख्त हमने कानून ये बनाया है, हमारे इस कानून को देख करके केंद्र ने भी कानून बनाया है, केंद्र ने आज सारे देश भर में इसको लागू किया है और सख्ती से हम कर भी रहे हैं। हमने महिला सुरक्षा के नाते से विशेष प्रावधान किए हैं, 29 हमने महिला पुलिस स्टेशन खोले हैं और महिलाओं की संख्या पुलिस में हमने बढ़ाई है, महिलाओं में जागरण जागरूकता ये सब हो, हमने दुर्गा ऐप बनाया है ताकि दुर्गा ऐप के माध्यम से कहीं भी कोई घटना होती है तो वो तुरंत जानकारी दें, ये सब किया है। लेकिन पिछले दिनों के अंदर एक स्टेटमेंट मैंने दी जिसकी कंट्रोवर्सी हमारे कुछ मित्रों ने खड़ी की, विपक्षी मित्रों ने जी। ये घटनाएं समाज के अंदर, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये NCRB का एक आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि 94.7 घटनाएं परसेंट 94.7% घटनाएं ये बिटवीन नोन्स होती हैं, और जब बिटवीन नोन्स होती है, हाँ, जान पहचान वाले ही है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बजाय सामाजिक समस्या ज्यादा है। क्या हम हर पड़ोसी के साथ पुलिस बैठक खड़ी कर? नहीं, निश्चित रूप से वो जो पिछला वो कोई टापर के साथ हुआ था उस मामले में भी शायद वो नोन ही निकले थे। तो इस प्रकार से हम रिश्तेदारों में बिटवीन नोन्स में, यानी घर घर के अंदर घिनौनी हरकतें ऐसी जो होंगी तो उसके ऊपर पुलिस नहीं बिठाई जा सकती। हाँ, इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना ये सरकार का काम, और कार्रवाई हम कर रहे हैं, उस कार्रवाई में पीछे हटते नहीं है। जितना जल्दी से जल्दी होता है उसमें आरोपी जो होता है उसको हम पकड़ते हैं, पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई, बल्कि हमने हाई कोर्ट को कहा है कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स, तो 5 स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए, ये भी हमारा जो प्रस्ताव हमने हाई कोर्ट को दे दिया और बहुत जल्दी हाई कोर्ट उन 5 कोर्ट्स को स्थापित करने वाला है। तो ये चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को, और ये कभी अचानक कभी कभी स्पर्ट आता है तो कब आ जाए, 2012 में भी एक बार स्पर्ट आया, 2012 के अंदर कांग्रेस के स्वयं नेताओं ने, इनके जो कमीशन ने आकर के यहाँ जब जानकारियां ली तो उस समय उन्होंने कहा कि हरियाणा हैज बिकम द रेप स्टेट, ये आज की घटना नहीं है। जब हरियाणा की ये बात आती है तो लोगों ने एक चीज कही कि आपने इसको जातिगत आधार पे आग लगवा दी, आपने तमाम सारे वो किए, जाट आंदोलन आपके कारण खड़ा हो गया, आपकी नीतियां नहीं सही थी। नहीं नहीं, इसमें नीतियों का क्या करेंगे हम, आखिर ये विषय समझने वाला है कि कुछ सत्ता के साथ जुड़े ऐसे लोग जो कभी उनको लगता है कि सत्ता हमारी बपौती है जी, ये जब उनको तकलीफ होती है तो उनके परिणाम है। आखिर इस आंदोलन के अंदर जिसकी बात आप कर रहे हैं जाट आंदोलन में, उसके अंदर हमको ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसी कौन सी घटना होती है जब कोई मांग करने वाला आदमी आए और उसकी मांग मान ली जाए और फिर भी वो कहे कि नहीं मैं तो नहीं मानता जी। यानी आरक्षण वाले विषय पर, मतलब प्लान तरीके से आरक्षण वाले विषय पर 10% का आरक्षण दिया जाएगा और एक्ट बनाया जाएगा ये बात मान ली गई जी, और अगस्त को ये फरवरी के महीने में बातचीत हो रही है और मार्च के अंदर सेशन आने वाला है कि अगले सेशन के अंदर इसका एक्ट बनाएंगे, ये बात तय हो गई, संतोष व्यक्त कर दिया गया सब कुछ, लेकिन अगले ही दिन क्षणों में आंदोलन को खड़ा कर दिया कि हम तो नहीं मानते। क्या नहीं मानते भी बताओ तो सही, और फिर योजनाबद्ध तरीके से तांडव करना, नृत्य करना और उसमें आग लगाना, लोगों को मरवा देना। आखिर जब ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होगी
तो उस समय कानून तो अपना काम करेगा, और जब कानून बात काम करेगा उसमें जो लॉस जिसको होगा होगा, हम तो ही लॉस। वो कहते हैं तीन बार आपने जलवाया हरियाणा, लॉस करने में हमें कोई खुशी थोड़ी होती है, हमको दुख होता है, हमको कष्ट होता है। लेकिन अगर कोई सोचे समझे षड्यंत्र के तहत ये कारनामे करेगा तो उजागर तो वो होंगे ही। अब कमीशनें बैठी हुई हैं, अब तरह तरह की जानकारियां सबको मिल रही हैं कि कौन दोषी था कौन नहीं था, सब उनके सामने आ रहा है। और जनता फिर तो सजा जनता देती है, आज आखिर जनता उनको सजा देगी तो इन्हीं बात। आपके दो मंत्रियों के भी घर जले थे? जले ना, हमारे एक मंत्री कैप्टन अभिमन्यु उनका घर जला दिया, उनके परिवार के लोगों को किस ढंग से वहां बचा लिया गया, वरना तो वो तो जाट ही है, लाक्षाग्रह है वो, तो लाक्षाग्रह की तरह आग लगा दी उसको। तो आखिर ये घिनौनी हरकत करने वाले बच के थोड़े जाएंगे, नहीं जा सकते। सुरजेवाला कहते हैं एनसीआर में वसूली करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं जो आपकी पार्टी के संरक्षण पाते हैं। मैं कहता हूँ बताएं ना हमको, केवल कह देने मात्र से नहीं, हमें बताएं, हमें कहीं चाहे चुप करके बताएं चाहे ओपनली बताएं, मीडिया के माध्यम से बताएं, कैसे भी बताएं कि जो इस प्रकार का वसूली करने वाला गिरोह हमको मिलेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वो चाहे हमारी पार्टी से संबंधित होगा चाहे इनकी पार्टी से संबंधित होगा। क्योंकि आज भी कौन किसके साथ संबंधित है, कोई विपक्षी पार्टियों के लोग उनके साथ संबंधित नहीं होते, ऐसा थोड़ा ही है, उनके संबंध के लोग भी हमको ध्यान में आते हैं कि कौन क्या करता है। और हमारी पुलिस जो है सख्ती से डील करती है, किसी प्रकार का कोई गिरोह हम पनपने नहीं देंगे हरियाणा के अंदर, और कोई इस प्रकार का आड़ी टेढ़ी आंख करके देखेगा उसके आंख, मतलब हरियाणा में कोई अपराधी पनप नहीं पाएगा। चलिए, हमारे साथ आपके सवालों के जवाब दे रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर साहब एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो सरलता के मायने माने जाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं खट्टर साहब, और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक शख्सियत के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।